वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लास 12th के बाद अगर आप फिजिकल एजुकेशन के टीचर बनना चाहते हैं, आपने अपने स्कूल में देखे होंगे फिजिकल एजुकेशन के टीचर जो आपको अलग अलग गेम्स खिलाते हैं, स्पोर्ट्स में आपको तैयार करवाते हैं, आपको फिजिकल एजुकेशन पढ़ाते हैं, आपको पीटी करवाते हैं प्रेयर में। आप अगर ये बनना चाहते हो तो उसके लिए आपको 12th के बाद क्या करना पड़ेगा, आइए मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको बता दूं कि आप हमारा चैनल एकलव्य इन्फो जरूर विजिट करें, ये आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है। यहाँ पे बहुत सारी आपको कोर्सेज की वीडियो भी मिलती रहेगी। और एकलव्य स्नातक जो कि हमारा ग्रेजुएशन का चैनल है, जिसमें हम रेगुलर और ओपन दोनों तरीके के बच्चों को पढ़ाने वाले हैं और नोट्स भी देने वाले हैं, तो इस चैनल को भी आप जरूर अपना प्यार दें। अब मैं आपको बता दूं कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरा यूजर नेम आपके सामने है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो करियर रिलेटेड, आप अगर कुछ पूछना चाहते हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा, रिप्लाई नहीं कर पाया तो उस पर वीडियो बना दूंगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि आप फिजिकल एजुकेशन टीचर इज ऑल्सो नोन एज पीईटी, ठीक है, इनको हम पीईटी सर भी कहते हैं, पीईटी वाले सर भी कहते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा। तो इसमें ये इनका काम जो होता है स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में भी होते हैं, ये यूनिवर्सिटीज में भी होते हैं, ठीक है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीईटी आर टू ट्रेन स्टूडेंट्स इन वेरियस स्पोर्ट्स। इनकी जो मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आप जैसे बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स के लिए तैयार करना होता है और स्पोर्ट्स के जितने इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करना होता है। आपने अपने स्कूल में देखा होगा स्पोर्ट्स डे होता है, उसमें आपके जो पीटी वाले सर होते हैं वो पूरे एकदम तैयार होते होंगे ना, एकदम पूरा ऑर्गेनाइज करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स हो, ठीक है, और स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स के बारे में सिखाना, हेल्थ के बारे में बताना, फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ाना, ये भी इनकी ड्यूटी होती है। अब मैं अगर आपको बताऊं कि फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनने के लिए कौन से कोर्सेज करने होते हैं तो आइए देखते हैं। तो कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन आर एलिजिबल फॉर रिक्रूटमेंट इन वेरियस प्राइमरी स्कूल्स। अगर आप डिप्लोमा कोर्स करते हो, यहाँ पे देखो डिग्री लेवल का भी कोर्स है और डिप्लोमा लेवल का भी है, डिप्लोमा अगर आप करते हो तो आप प्राइमरी लेवल के ही टीचर बन सकते हो, ठीक है, प्राइमरी लेवल पे। लेकिन अगर आप अपना बीपीएड कर लेते हो, ठीक है, बैचलर इन मतलब आप फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, तो आप इसके बाद एलिजिबल हो जाते हो फिजिकल एजुकेशन का टीचर बनने के लिए स्कूल लेवल पे। 11th को भी पढ़ा सकते हो, 12th को भी पढ़ा सकते हो, कॉलेजेस तक भी आपकी एलिजिबिलिटी हो जाती है। कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड एमपीएड बीएड बीपीएड के बाद आप एमपीएड भी कर सकते हो, मास्टर्स कर सकते हो फिजिकल एजुकेशन के अंदर, और उसके बाद आपकी पोस्ट और आगे बढ़ जाएगी। आप अलग अलग गवर्नमेंट की जो डिपार्टमेंट्स होते हैं जैसे कि स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वगैरह में भी आप कोच वगैरह लग सकते हो, या आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट एचओडी तक भी बन सकते हो यूनिवर्सिटीज के। तो इस तरीके से ये कोर्सेस होते हैं इसके, ठीक है। अब आगे अगर मैं आपको बताऊँ तो फिजिकल एजुकेशन इज एन इंटर डिसिप्लिनरी कोर्स दैट कवर्स द फिजिकल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल एक्टिविटीज। आपको इसमें क्या पढ़ना होता है, स्पोर्ट्स के बारे में आप जानते हो, फिजिकल जो हमारी बॉडी की जो नॉलेज होती है जितनी भी वो सब आपको पता चलता है, एक्टिविटीज के बारे में पता चलता है, ठीक है, और पूरी तरीके से कैसे हमारी डेवलपमेंट होती है ये आपको पढ़ाया जाता है। कोर्सेज इसमें देखो, अगर आप आर्ट साइड से नहीं हो, साइंस से हो, तो आपके लिए बीएससी भी होता है इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, और बीपीएड आप कर सकते हो 12th के बाद, ठीक है, और एमपीएड होता है उसके बाद मास्टर्स लेवल पे, और उसके बाद आप इसमें डॉक्टरेट भी कर सकते हो, जाकि ये करने के बाद क्या होगा, आप कॉलेज लेवल पे प्रोफेसर भी बन सकते हो फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होती है बीपीएड वगैरह के लिए, तो आपकी 12th पास होनी चाहिए, और यूनिवर्सिटीज की अगर मैं बात करूं, टॉप यूनिवर्सिटीज जो हैं या कॉलेजेस, ठीक है, इंस्टीट्यूट्स, तो इसमें है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, अन्नामलाई यूनिवर्सिटी चेन्नई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन पुणे, और दिल्ली की अगर मैं बात करूं तो इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेस, और जामिया मिलिया इस्लामिया से भी आप कर सकते हो न्यू दिल्ली से, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी आप कर सकते हो, लक्ष्मी बाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन तिरुवनंतपुरम, और लक्ष्मी बाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर, मणिपुर यूनिवर्सिटी इम्फाल, ठीक है, ये भी काफ़ी फेमस है, और नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग, और यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर और पुणे राजस्थान, ठीक है। ये मैंने आपको ज़्यादातर मेनली जो इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके नाम भी बता दिए हैं, कोर्स का नाम बता दिया है बीपीएड। एकलव्य इन्फो को सब्सक्राइब कर देना, वहाँ पे बीपीएड पे एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा,
पूरी डिटेल्ड वीडियो, क्या उसका सिलेबस होता है, क्या उसमें सब कुछ होता है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि आप उस चैनल को अपना प्यार जरूर दें। यहाँ मैं आपको सिर्फ कोर्सेज के नाम बता सकता हूँ, करियर बता सकता हूँ, लेकिन सभी कोर्सेज को मैं अगर एक वीडियो में बताने बैठूंगा तो ये वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा जाएगी, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेटिव जो वीडियोज है वो सारी आपको एकलव्य इन्फो पे मिलने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही था, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के अपडेट्स आपको मिलते रहें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।